नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो चुका है, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आज नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्र में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन बंगालियों की दुर्गा पूजा भी शुरू हो जाती है। माँ कात्यायनी को ब्रज मंडल की अधिदात्री देवी माना जाता है। शादी से संबंधित मामले जैसे शीघ्र विवाह, प्रेम विवाह के लिए देवी कात्यायनी की पूजा अचूक मानी जाती है। देवी दुर्गा की छठवीं शक्ति माँ कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के घर में हुआ था। देवी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और चमकीला है। इनकी चार भुजाएं हैं, जिनमें ये तलवार कमल लिए हैं। एक हाथ में अभय मुद्रा है तो दूसरा वर मुद्रा में है। इनकी उपासना से साधक को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। देवी कात्यायनी की पूजा में पीले या फिर ग्रे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। गोधूली मुहूर्त में देवी को पीले पुष्प या बेर के पेड़ का फूल भी चढ़ा सकते हैं। देवी के इस स्वरूप को बेर के पेड़ का फूल अति प्रिय है। षोडोपचार से देवी का आराधना करें, शहद का भोग लगाएं और माँ के मंत्रों का जाप करें और कथा पढ़ने के बाद देवी की आरती करें। धर्म ग्रंथों के अनुसार माँ कात्यायनी का संबंध बृहस्पति से है। बृहस्पति देव को विवाह का कारक माना जाता है। शादी की बाधा दूर करने या मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए नवरात्रि में देवी के स्वरूप की पूजा बहुत फलदायी होती है। छठवें दिन विवाह योग्य युवती शाम के वक्त शुभ मुहूर्त में स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें, कुमकुम रोली अक्षत हल्दी की गांठ शहद देवी को अर्पित करें। हाथ में पीले फूल लेकर अपनी प्रार्थना कहते हुए देवी को अर्पित करें। देवी को शहद और मीठे पान का भोग लगाएं, इससे परिवार और वैवाहिक जीवन में मिठास भी बनी रहती है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।